गेहूं चावल से लदा ट्रैक्टर चौकी इंचार्ज नगारा घाट ने पकड़ा। थाना पनवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मशहूदपुरा शोड़ी तिगोला पर सुबह 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि कोटी का गल्ला बाजार में बिकने जा रहा है। सूचना के आधार पर नगारा चौकी इंचार्ज तनवीर अहमद ने गेहूं एवं चावल और अन्य अनाज से लदा ट्रैक्टर वहाँ पकड़ लिया। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर ट्रैक्टर को पकड़कर थाने में खड़ा किया गया है। वहीं थाना प्रभारी के द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को सूचित किया गया। वहीं पूर्ति अधिकारी अशोक कुमार राय ने मौके पर पहुंचकर गोलगुड़ा कोटेदार से कोटा स्टॉक चेक किया। इसके बाद सियोड़ी का कोटा स्टॉक चेक किया गया तथा थाना पनवाड़ी में आकर ट्रैक्टर में लदा 32 बोरा गेहूं, 21 बोरा चावल और 2 महुआ के बीज यानी गुल्ली पाई गई, जो कि व्यापारी नारायण सिंह जो अपना साप्ताहिक बाजारी से फुटकर गेहूं चावल चना लाई अलसी खरीद कर बेचने जा रहा था। वही चौकी इंचार्ज के द्वारा ट्रैक्टर को पकड़ा गया था। इस संबंध में आपूर्ति अधिकारी अशोक कुमार राय सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सारे बोरे सुतली से बंधे हुए पाए गए, जिसमें कोटा से संबंधित कोई भी सामग्री नहीं पाई गई। फिलहाल इसकी अभी जांच की जा रही है। जांच का रूप जिला अधिकारी कुलपहाड़ को सौंप दी जाएगी। अगर गेहूं सरकारी दुकान का पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो उक्त गेहूं से लदा ट्रैक्टर व्यापारी को सौंप दिया जाएगा। क्या है अपना? क्या करते हो आप? तो चना मटर राई बड़दा। तो क्या हुआ आज आपके आप ये ट्रैक्टर क्यों पकड़ा गया? आए थे नुंगाई चौकी थाने में रिपोर्ट कर दिया। अच्छा, तो क्या फिर क्या किया आप? हमने थाने पहुंचा दिया। थाने में क्या हुई, जांच हुई इसकी? जांच हुई। नाम क्या है तुम्हारा? नारायण सिंह। कहाँ के निवासी? तहसीलदार साहब द्वारा ये सूचित किया गया हमें कि एक ट्रैक्टर पकड़ा गया है पुलिस चौकी नगारा घाट के द्वारा। SDM साहब के निर्देश पर मेरे द्वारा मौके पर जाके जांच की। दोनों कोटियों की दुकानों का माल अध्ययन स्टाफ और उठान के बारे में उनकी जानकारी प्राप्त की। जांच के समय संबंधित ग्राम के लेखपाल उपस्थित रहे। तत्पश्चात जांच उपरांत थाना पनवाड़ी में पुलिस अभिरक्षा में रखे गए ट्रैक्टर पर लदे हुए खाद्यान्न की जांच की गई, जिसमें लगभग 32 बोरी गेहूं हाथ से जो बंधी हुई हैं और 21 बोरी चावल जो भी हाथ से बंधे हुए बोरियों में हैं और 3 बोरी महुआ की गुली उसमें लदी हुई पाई गई है। और प्रथम दृष्टया ये सरकारी खाद्यान्न की ना तो बोरियों में है और ना ही वो मशीन सिलाई युक्त और टैग लगी हुई पाई गई है। जांच उपरांत आख्या SDM साहब को प्रस्तुत की जाएगी, तदनुसार उनके द्वारा भी कार्रवाई होगी। तो क्या सर, इसमें आपको ये लग रहा है कि इसमें सरकारी कोटे का मतलब खाद्यान्न है या नहीं है? नहीं, प्रथम दृष्टया उसमें जो सरकारी बोरी हैं मशीन सिलाई युक्त हैं, टैग लगी हुई हैं, वो नहीं। सर आप हाथ से बंधी हुई बोरियां हैं और इनके उसमें ऐसी कोई बोरी सरकारी बोरी नहीं पाई। सर आपका नाम और वो पद बताएं, मैं आप कौन से? पूर्ति निरीक्षक कुलपहाड़। महोबा से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता संतोष कौशिक की रिपोर्ट।